हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। होप तो आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम इन माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। लास्ट वीडियो में मैंने काफी कुछ बताया था आपको, कॉस्ट शीट के बारे में भी मैंने काफी सारी चीजें बताई थी। इस वीडियो में भी मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जिससे आपको कन्फर्म हो जाए कि मैंने जो लास्ट वीडियो में बताई वो वही सारा कुछ आपको एक्चुअल में पढ़ना है। एंड सेकेंड थिंग, जो मेरी लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसके बाद जब आप कॉस्ट शीट की फॉर्मेट पढ़ोगे तो आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको एक एक लॉजिक के साथ मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको सारी चीजें ऑटोमेटिक रिटेन हो जाएगी। नो रट्टा मार, कॉस्टिंग टोटल प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। तो हम बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट के बारे में। कॉस्ट शीट इज ए स्टेटमेंट डिजाइन टू शो। कॉस्ट शीट क्या है? स्टेटमेंट है डिजाइन टू शो द आउटपुट ऑफ पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड अलॉन्ग विद द ब्रेकअप ऑफ द कॉस्ट। द कॉस्ट इनकॉर्पोरेटेड इन कॉस्ट शीट आर कलेक्टेड फ्रॉम द वेरियस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट व्हिच हैव बीन रिटन इन कॉस्ट अकाउंट आइदर डे टू डे और रेगुलर रिकॉर्ड्स। देयर इज नो फिक्स फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। देखो, कॉस्ट शीट का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, बिकॉज मैंने आपको बताया दूँ कॉस्टिंग एक इंटरनेशनल सब्जेक्ट है और इसको हम फिक्स नहीं कर सकते। हर एक कंट्री अपने अकॉर्डिंग कॉस्ट शीट की फॉर्मेट बना सकती है। हर एक कंपनी अपने अकॉर्डिंग कॉस्ट शीट की फॉर्मेट बना सकती है। आपको मने आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाओ, आपको मने आप वर्टिकल फॉर्म में बनाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड है। देयर इज नो फिक्स फॉर्मेट फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, बट इन ऑर्डर टू मेक कॉस्ट शीट मोर यूजफुल इट इज जनरली प्रेजेंटेड इट इन कॉलमनर फॉर्म। द कॉलमनर फॉर्म आर of the total cost and current period per unit of the current period, total cost and per unit cost for preceding period and total and per unit cost of the budgeted period and so on. The information to be incorporated in a cost sheet would depend upon the requirement of management for the purpose of control. Ab cost sheet ka advantage kya hai? Advantage of cost sheet. The main advantage of cost sheet are it discloses the total cost and the cost per unit. सबसे first thing क्या है कि cost per unit अगर आपको find out करना है तो आपको cost sheet तो बनानी ही पड़ेगी। Without cost sheet बनाए हुए आप cost per unit find out नहीं कर सकते हो। It enables a manufacturer to keep a close watch and control over the cost of production by providing a comparative study of the various element of current cost with the past result and standard cost, it is possible to find out the causes of variations in cost and to eliminate the adverse factors and conditions which go to increase the total cost. The act as a guide to manufacturer and help to formatting the definite useful production policy. It helps to fixation of the selling price more accurately. Selling price ko decide karne mein agar aapke paas सही कॉस्ट होगा तभी तो आप सेलिंग प्राइस आप डिसाइड कर पाओगे। इट हेल्प द बिजनेसमैन टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज जब आप कॉस्ट शीट बनाओगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपका डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट कितना है, डायरेक्ट लेबर कितना है, अदर एक्सपेंसेस कितने हैं, सारे कॉस्ट आपको मालूम चलेगा। तो आप देख सकते हो कॉस्ट शीट में आपके पास कॉस्ट का ब्रेकअप होगा और आप वहां से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपने कहाँ पे खर्चे ज्यादा कर दिए, आपने कहाँ पे गलतियां कर दी जिसको आप नेक्स्ट टाइम रेक्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, The following item are not included in cost sheet. अब cost sheet के अंदर क्या क्या चीजें included नहीं होती है? दो पॉइंट और आगे। It helps the businessman to minimize the cost of production. मैंने आपको बता दिया कैसे मिनिमाइज कर सकता है। It helps the business to submit quotation with reasonable degree of accuracy. ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। आपके पास एग्जैक्ट कॉस्टिंग मालूम होगा तो आप कोटेशन भी सही बता सकते हो ना। अगर मुझे मालूम है कि मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट 10 रुपए है तो मैं कोटेशन क्या करूंगा 12 रुपए 13 रुपए। अगर मुझे अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट ही नहीं मालूम चलेगा तो या तो अंडर कोटेड हो जाएगा या तो ओवर कोटेड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कॉस्टिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब क्या क्या चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं होता? जो ये सारी एक्सपेंसेस जो है ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आता है, बट हम इसको कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करते समय नहीं लेंगे। जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का कॉस्ट अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं। प्रोडक्ट की कॉस्टिंग का इनकम टैक्स से कोई मतलब नहीं। डिविडेंड टू शेयर होल्डर, इसका भी कॉस्ट अकाउंटिंग से कोई मतलब नहीं। कैपिटल लॉस, लॉस ऑफ आउट ऑफ सेल, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ डिवेंचर, बैंक इंटरेस्ट, डोनेशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट, कमीशन टू मैनेजिंग डायरेक्टर, अंडर राइटिंग कमीशन, राइटिंग ऑफ गुडविल,
रिजर्व ऑफ बैड डेब्ट्स, ट्रांसफर ऑफ ऑल एजर, ये सारे खर्चे ऐसे हैं जिनका कॉस्ट शीट से कोई मतलब नहीं। जब भी आप कॉस्ट शीट बनाओगे तो इनको आप नहीं रिकॉर्ड करोगे, इनको देखते ही बस आप क्या करोगे कॉस्ट शीट में, नो एंट्री अलाउड हियर। अब फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट की बात करते हैं, आपको लास्ट वाला वीडियो याद रखना है फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट के लिए। तो कॉस्ट शीट के फॉर्मेट के लिए मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताऊं, सबसे पहले क्या होता है, रॉ मटेरियल आता है। रॉ मटेरियल कहाँ जाता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में, देन इसकी मैन्युफैक्चरिंग या फिनिश गुड्स बन जाता है। बट इसके बीच में एक प्रोसेस और आता है एडमिन का, जो कि इन सारे चीजों को बताता है, रेगुलेट करता है, कॉस्ट को फाइंड आउट करता है। तो यहाँ प्रोडक्शन हुआ, एडमिन हुआ, फिर फिनिश गुड्स आ गए। फिनिश गुड्स कहाँ जाएगा, फिर सेल्स वाले आएंगे, फिर वो क्या करेंगे, फिनिश गुड्स को मार्केट में बेचेंगे, सेल करेंगे। ये एक हायरार्की कंपनी में चलती है, पहले रॉ मटेरियल आता है, फिर रॉ मटेरियल स्टोर से फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री में फिर उसका प्रोडक्शन होगा, फिर फिनिश गुड्स बनेगा, फिर प्रोडक्शन होने के बाद क्या होगा, फिर सेलिंग वाले जाएंगे उस प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेच के आए। ये प्रॉपर एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकते हैं। कॉस्ट शीट भी इसी तरीके से चलता है। जैसे कॉस्ट शीट में क्या हुआ, डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, आप सबने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, वहां पे आप टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं और बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। आप हमेशा जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट को आप बनाते हो तो वही ओपनिंग स्टॉक की बात करते हैं। यहाँ पे जो ओपनिंग स्टॉक आएगा वो रॉ मटेरियल की आएगा, बिकॉज अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट मटेरियल ऑफ ओपनिंग स्टॉक यानी है रॉ मटेरियल के बारे में हम बात कर रहे हैं, प्लस परचेजेस। अब देखो होगा क्या, हमें मालूम करना है रॉ मटेरियल कंज्यूम, कि हमने रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम किया। तो कैसे निकालोगे, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का था मान लो 10 यूनिट, हमने परचेजेज कर लिया 110 यूनिट, एंड हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रह गया 20 यूनिट का, ठीक है। तो आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना किया, देखो मैं अभी यूनिट की बात कर रहा हूँ, मैं रुपीज के बारे में बात नहीं कर रहा। तो जो आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम किया वो आपने 100 यूनिट आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लिए ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो इस तरीके से हम निकालते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम, है बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले क्वेश्चंस में इसकी इंपॉर्टेंस आपको मालूम चलेगी। अब जब आप ये आप निकालोगे डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, जो आप यहाँ पे फाइंड आउट करके यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे जो आप लेके आओगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी। तो ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज प्लस कैरेज इनवर्ट। कैरेज इनवर्ट होता क्या है, देखो जब आप गुड्स परचेज करते हो तो उस वेंडर के प्रीमाइसेस से आपको अपने फैक्ट्री तक तो गुड्स लेके आना पड़ेगा, तो उस दौरान जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट होगी उसको हम कैरेज इनवर्ट्स बोलते हैं। यानी रॉ मटेरियल को बायर के सेलर के प्रीमाइसेस से अपने फैक्ट्री तक लाना, दैट इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ट्स। हम उसके भी कॉस्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट में ही ऐड करेंगे, बिकॉज कंपनी कोई भी कॉस्ट खुद से बियर नहीं करती, सब कुछ प्रोडक्ट पे चार्ज करती, इसलिए वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट में हम इंक्लूड कर देते हैं। अब डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस मैंने आपको बताया था, जो एक कारपेंटर था जो वुड को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा था, वही उसी की बात करता है, वही डायरेक्ट वेजेज है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने नील कमल का एग्जांपल दिया था, जिसको हम रॉयल्टी पे करते थे, वो यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपका बन गया प्राइम कॉस्ट। अब देखो फैक्ट्री ओवरहेड के केस में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक हमारे पास एक फैक्ट्री थी इस तरीके से, एंड इस फैक्ट्री के अंदर बहुत सारी मशीनरीज लगी हुई थी, व्हीकल्स लगे हुए थे, वो सब कुछ। तो जो भी खर्चा फैक्ट्री के अंदर हो रहा है वो सब कुछ फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनेगा। कैसे, लूज टूल्स, लूज टूल्स छोटे मोटे टूल्स होते हैं, जैसे स्क्रू ड्राइवर हो गया, कुछ और भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं लूज टूल्स। इनडायरेक्ट वेजेस, सुपरवाइजर का मैंने आपको एग्जांपल दिया था इनडायरेक्ट का, रेंट फैक्ट्री का मैंने आपको बताया था, फैक्ट्री के प्रीमाइसेस का रेंट यहाँ पे आ जाएगा। लाइटिंग एंड हीटिंग, फैक्ट्री के अंदर का लाइटिंग आ जाएगा, पावर एंड फ्यूल आ जाएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फैक्ट्री के अंदर का आ जाएगा, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। यानी देख रहे हो आप, जो भी फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चे हो रहे हैं इस प्रीमाइसिस के अंदर, वो सारे खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बन रहे हैं। यानी आपको रट्टा कुछ नहीं मारना, बस आपको यही कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो खर्चा फैक्ट्री में हुआ उसका फैक्ट्री ओवरहेड में डाल दो, दैट्स इट। तो ये आपके यहाँ से फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क ऑन कॉस्ट आ जाएगा। इसके बाद आप इसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करोगे। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक हमारे पास ऑफिस था, इसमें दो डिपार्टमेंट थे, इधर भी डिपार्टमेंट था और इधर भी डिपार्टमेंट था, याद आया कुछ, वही।
तो उसकी रेंट आ गई, वहाँ पे जो लोग बैठे हैं उसकी सैलरीज हो सकती है, इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग हो सकता है, टेलीफोन, बिकॉज जो लोग बातें भी करेंगे, टेलीफोन के एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग की एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, लीगल एक्सपेंसेस हो गया हमारा, ऑडिट के बैंक चार्जेस, ये सारे खर्चे वहाँ पे यही सारे खर्चे होंगे। ये सारे खर्चे को जब आप ऐड करोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। ठीक, इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है। मैंने आपको बताया था ना जो हमारे सेल्स एजेंट थे जो बाहर मीटिंग्स पे भी जाते थे, उसके बाद एक पर्सन था जो वेट करने के लिए बैठा हुआ था, वो सारी खर्चे यहीं पे आए। जैसे शोरूम रेंटल, शोरूम, आपने एक शोरूम ले रखा है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को रख रखे हो लोगों को देखने के लिए कि लोग देखे, प्रोडक्ट पसंद करें, ऑर्डर करें। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज, जो आप बायर के साथ मीटिंग करने जा रहे हो उसकी एक्सपेंसेज यहाँ पे आ जाएगी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा सेल्स डिपार्टमेंट का यहाँ पे आएगा, ऑफिस का, एडमिन का यहाँ पे आता है, सेल्स का यहाँ पे आता है। इसलिए आपको, इसलिए मैं बोलता हूँ रट्टा मारोगे तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे। एडवर्टाइजिंग, देखो एडवर्टाइजिंग हमेशा सेल्स के लिए होता है। आप टीवी में ऐड देते हो, न्यूज़पेपर में ऐड देते हो, मैगजीन में ऐड देते हो, वेरियस अदर जगह पे आप ऐड देते हो, किस लिए? सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। तो यहीं पे आएगा पोस्टेज का खर्चा, कलेक्शन एक्सपेंसेज। कलेक्शन एक्सपेंसेज, जैसे मैंने कुछ सेल्स किया तो वहाँ से हो सकता है मुझे क्रेडिट पे मैंने सेल किया और बाद में पैसा मुझे कलेक्ट करने के लिए कुछ एक्सपेंसिज लग रहा हो, तो वो भी आएगा। कैरेज आउटवर्ड, जब आपने रॉ मटेरियल परचेज किया था तो उसका खर्चा आपने रॉ मटेरियल में ऐड किया था। इसी तरीके जब आप सेल्स करो तो आपके फैक्ट्री गेट से गुड्स बाहर जा रही है बाहर के प्रीमाइसेस पे, तो कैरेज आउटवर्ड्स का खर्च यहाँ पे आ जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन, अब जो डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन है वो भी यहाँ पे आएगा। टेम्पल एज फ्री गिफ्ट होता है ना, बहुत सारे टाइम में हम फ्री गिफ्ट्स भेजते हैं अपने बायर को, जैसे दीपावली का टाइम हो गया वहाँ पे हम फ्री गिफ्ट देते हैं अपने बायर्स को भी, वो सारी खर्चे यहाँ पे आ जाएगी। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, इसमें आप प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो आपका सेल्स आ गया। ये प्रॉपर फॉर्मेट है कॉस्ट शीट का। अब हम क्वेश्चंस आंसर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।